उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है। यूपी सरकार ने भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी कर दी है। पाबंदियों के साथ बाजार खुलने लगे हैं। इसी बीच आज मथुरा के सुप्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में आम भक्तों के लिए भी 2 जून से खुलने जा रही हैं। यहां फैसला मंदिर के गोस्वामी जनों ने लिया है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मंदिर के गोस्वामी ब्रजेश कुमार महाराज एवं कंकरोली युवराज डॉक्टर विंगीश कुमार महाराज ने 2 जून से भक्तों के लिए अपने आराध्य के दर्शन खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में ठाकुर जी की 2 झांकी सुबह और 2 शाम को खोलेंगी। प्रथम झांकी 8:15 से 8:45 तक और द्वितीय झांकी 10:15 से 11 बजे तक और साय से 8:15 से 7:30 बजे तक। इस प्रकार 4 झांकियों में दर्शन होंगे। आरती भीतर होगी ताकि भीड़ ना हो, परिक्रमा बंद रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के मुख्य गेट पर एक बार में केवल 5-5 करके भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। बगैर मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर के अंदर आने पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद सैनिटाइज किया जाएगा। भक्तों को दर्शन होंगे। इस व्यवस्था में एक गेट से भक्त का प्रवेश होगा और दूसरे गेट से भक्तों के निकास की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर के मीडिया प्रभारी ने सभी दर्शनार्थियों से अपील की है कि कोविड के नियमों का पालन करें और मंदिर प्रशासन को सहयोग करें। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम द्वारका में आपके प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि लॉकडाउन के काफ़ी लंबे समय बाद द्वारकाधीश के पास चले गए। द्वारकाधीश में कोविड की जो है उसकी व्यवस्था है कैसे की गई है और क्या द्वारकाधीश की कितना जो टाइमिंग है क्या टाइमिंग रहेगी किस प्रकार से रहेगी, तो हमारे साथ में तिवारी जी हैं वहाँ पर। तिवारी जी से जाना है कि कैसी व्यवस्था है, कि क्या व्यवस्था है मंदिर की। देखिए जैसा कि आपने कहा कि इस कोरोना काल की वजह से पिछले 1 माह से मंदिर के पर बंद है। सभी श्रद्धालु भक्तों को इस आस में थे कि कैसे भी सरकार को गाइडलाइन दे ठाकुर जी के दर्शन करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे में जिस तरह में 5 व्यक्ति की एक साथ आने की परमिशन दी, तो हमारे द्वारा आज ठाकुर जी के दर्शन किए गए जिसमें दरवाजे को ही ये नियम दिया गया है भाई 5 व्यक्ति एक साथ आए और जो भी व्यक्ति आए वो बगैर मास्क के अंदर में आए। मंदिर की ओर से सबसे पहले उसकी ध्यान होगी, उसके बाद सैनिटाइजेशन, उसके हाथ धुलवाए जाएंगे, उसके बाद मंदिर में उसको प्रवेश दिया जा रहा है। एक गेट से प्रवेश दिया जा रहा है और निकासी दूसरे गेट से उसको की जा रही है। इस प्रकार की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है, इससे किसी भी श्रद्धालु को कोई संक्रमण न फैले और श्रद्धालु से बार बार अंतरण की जा रही है तो वो अपनी उचित दूरी बनाकर दर्शन करें और जैसा स्थिति मंदिर को खाली करें। अच्छा, जो प्रतिमा मार्ग था उसको बंद कर दिया गया है, किस प्रकार से बंद कर दिया गया है? परिक्रमा मार्ग भी इसलिए बंद किया गया है कि लोग परिक्रमा के नाम पर वहाँ भ्रमण करेंगे और भीड़ इकट्ठी होगी और अभी तो दूसरी व्यक्ति ये नहीं की गई है भारत में प्रवेश करेंगे, आरती उसके पहले हो जाएगी या उसके बाद होगी, तो अगर आरती होगी तो लोग इकट्ठा होंगे, तो किसी प्रकार की आरती की परिक्रमा की या प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए संक्रमण के कोई भी चांस नहीं है। अभी जैसा ठाकुर जी की मर्जी है वैसा धीरे धीरे चलाते हैं, आगे जैसा भी होगा आपके सामने होगा। तो दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंदिर में टाइमिंग की पहले जो झांकियाँ हुआ करती थी वो 3-4 झांकियाँ सुबह हुआ करती थी, 3-4 झांकियाँ तो अब देखिए मंदिर में 8 झांकियाँ टोटल होती थी, 4 झांकी शाम। इस समय वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 4 झांकियों में दर्शन खुली हुई हैं। एक झांकी प्रातःकाल 8:15 से 9:15 तक और दूसरी झांकी 10:15 से 12:30 तक और सायंकाल 4:45 से 5:10 और शाम को 6 से 7:30। इस प्रकार व्यवस्था करके अभी केवल 4 झांकियाँ खुली हुई हैं, 4 झांकियों भक्त दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो परिस्थितियाँ होंगी कोविड की क्या स्थिति रहती है उसके बाद हमें हमारे साथ के तिवारी जी जो हमने जानकारी दी कि कोविड की जो गाइडलाइन थी बेस्ट क्लास होना चाहिए थी वही उनको और मंदिर का जो टाइमिंग शेड्यूल है उसमें 2-2 झांकियों का रखा गया सुबह शाम और जब भी मंदिर में कोई भी श्रद्धालु में रखा उसके लिए हमें इसके बाहर मास्क करके और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। देखिए 1 माह जो बंद रहे वह भी कोरोना की गाइडलाइन थी और जो आज खुले हैं तो भी गाइडलाइन के अनुसार ही खुले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप धार्मिक स्थलों पर 5 आदमी के प्रवेश की अनुमति एक साथ दी हुई है।
और इस गाइडलाइन में सभी दर्शनार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराना, सैनिटाइज कराना और उन्हें एक द्वार से प्रवेश देना और दूसरे द्वार से उनको निकालना, इस प्रकार की व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा की गई है। हमारा सभी दर्शनार्थियों से भी यही निवेदन है कि वे अपने सिस्टम से आएँ, बगैर मास्क के प्रवेश न करें, एक दूसरे के बीच में उचित दूरी रखें और थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज करा कर ही दर्शन करें। अगर व्यवस्था सभी लोग नियमों का पालन करेंगे तो व्यवस्था निश्चित रूप से सही रहेगी और सभी को दर्शन मिल पाएंगे। अभी खुलने का समय क्या है और क्या सैटरडे संडे को लॉकडाउन के चलते बंद रहेगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि वैसे मंदिर में 8 झांकियों में दर्शन होते थे, प्रातःकाल 4 झांकी होती थी, शाम को 4 झांकी होती थी, लेकिन इस कोरोना काल में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी न हो और लोग दर्शन के चक्कर में ज़्यादा ना आए, इसलिए प्रातःकाल 8:15 से 8:45 आधे घंटे के सुबह खोले गए हैं और इस समय 10:15 से 11 बजे तक राजयोग के दर्शन खोले गए हैं और शाम को 4:45 से 5:10 और सायंकाल 6 से 6:30, इस प्रकार 4 झांकियों के दर्शन खोले गए हैं जिससे दर्शनार्थी सभी स्लॉट में आके दर्शन कर सकें। सैटरडे संडे अगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किया जाता है तो निश्चित रूप से सैटरडे संडे में मंदिर बंद रहेगा, क्योंकि हमें भी 2 दिन सैनिटाइजर के लिए मिल जाएगा, पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराएंगे, साफ सफाई व्यवस्था हो सकेगी और कर्मचारी भी अपने 2 दिन सैनिटाइज होकर अपने आप को स्वच्छ कर सकेंगे। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार का लॉकडाउन शनिवार इतवार रहता है तो मंदिर निश्चित रूप से शनिवार इतवार बंद रहेगा।